ग्राफिक पिक्चर क्या, हिस्ट्री ऑफ कैंसर, हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगस एक्सेट्रा, डायबिटीज, इंटीग्रल रेमेडी व्हेन ऑल सोर्स फेल, व्हेन ऑल सिलेक्टेड रेमेडी फेल, इंटीग्रल रेमेडी फॉर कैंसर, कॉन्ट्राडिक्टरी और अल्टरनेटिंग स्टेट, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, मसलन माँ बच्चे से प्यार करती है, दिस इज द नेचुरल ऑर्डर्स, और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा कि वो उसके मुखालफ जाती है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी, आप जो भी काम करते हैं दूसरा उसके कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो दैट इज द कार्सिनोजन, एड्स, पोलिप्स, अब पोलिप्स में और क्लाइड्स, क्लोज में हमने कंपेरेटिव स्टडी भी मैंने डाली हुई है कि पोलिप्स में और क्या, थायोसिनम है, मेडोरिनम है, ट्यूक्रोम है, मेरावेरम, लेपस, एल्बा, सिक्रीनम और कल्केरिया, एसिड नेट, ये कंपेरेटिव स्टडी हमने इसलिए डाली है कि ताको आप जब ये नहीं भी काम करती तो फिर आप कार्सिनोजन को हेल्प आउट करेगी, आगे चलते क्लोइड्स, मेलन, सिलेशिया, थूजा, ये क्लाइड्स की वैसे दवाइयाँ, लेकिन कार्सिनोजन आप इस्तेमाल करेंगे तो क्लाइड्स में भी काम करती है, आगे ऑटिज्म, ऑटिज्म में हमने कंपेरेटिव स्टडी भी डाली है, लेकिन कार्सिनोजन मैन रोल, ब्रिटल बोन्स, बोन का टूटना, जाम, ड्रोसरा, ओरोमेटा, कल्केरिया फास, कल्केरिया का सिलेशिया, स्ट्रोनेशियम कार्ड, काली कार्ड, ऐसा फोटेडा, सारी बोन ब्रिटल पैदा करती हैं, एसिड फ्लोर, कल्केरिया फ्लोर, रूटा, सिम्फाइटम, ये सारी बोन की मेडिसिन है, लेकिन ये सारी नहीं करेंगी अच्छे तरीके से जब आप कार्सिनोजन का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे तरीके से, दिस इज अ कंपेरेटिव स्टडी। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में मेरे पास बहुत अच्छा ठीक होता है, खुदा का करम है, और मैं उसकी दवाई मैंने निकाली हुई है ब्राइटामियोर, लेकिन हम इनके साथ कार्सिनोजन जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो ये कार्सिनोजन के अंदर डाउन सिंड्रोम ही पाया जाता है, तो जो डाउन सिंड्रोम आ जाएगा वहाँ ब्राइटामियोर अकेले काम नहीं करेगी, हम ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेंगे कार्सिनोजन देंगे, आगे चलते हैं। हीमोफीलिया, कार्सिनोजन, थैलासीमिया बगैर कार्सिनोजन के नहीं हो सकता, हालांकि बाकी दवाइयां हैं, मौजूद हैं, मैं मैनगेनम है, लिथियम है, चाइना है, रेडियम है, वनेडियम, फेरमफास, फेरमास, कार्सिनोजन ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेगा थैलासीमिया। क्रॉनिक फटीग ऑफ द वीकनेस, लोग कहते थके आने रहते हैं, वो बाद मरीज आ जाते हैं, प्यो भी थके आ जा रहे हैं, नाल ही बंदा एक लुकमा दे देता है, तो कार्सिनोजन का वो थकावट दूर करेगा। वैक्सीनेशन ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, जहाँ थूजा फेल होगी, जहाँ आपकी सिलेशिया फेल होगी, जहाँ लीडम फेल होगी, जहाँ एमएमआर फेल होगी, जहाँ वैक्सीनियम फेल होगी, वो कार्सिनोजन, ठीक है जी। मल्टीपल एलर्जीज बेशुमार, मैं आपको अपनी पहले साल की प्रैक्टिस का वाक्य सुनाता हूँ, पहले साल मेरे पास एक बंदा आया, तो उसको एलर्जी थी, साइनसाइटिस, छींके मेरा, तो मैंने उसको ट्यूबरक्लोनियम दी और सबाडीला वगैरह दे के तो ठीक हो गया, वो कहता जी ये तो काम तो मेरे बच्चे के साथ भी, हमें शिफ्टिंग डिजीज, इनहेरिटेड डिजीज़, नॉलेज ही नहीं था, अब मैं वो बच्चा, वो बंदा जो है ना, मेरे पास 5-6 महीने लगा रहा कि यार मेरा ठीक हो गया, मेरे बच्चे का भी ठीक हो गया, वो नहीं ठीक हुआ, सोच सोच के यार बंदा कहता जी क्या ये क्या हो गया जी साइंस, आप मैं ठीक हो गया, मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा, और मैं कह यार मैं तो दवाइयाँ दे रहा हूँ, पर मैं कौन सी बदल के देता हूँ, कभी अमोनियम कार्ब देता हूँ, कभी समय को स्नाइग्रा देता हूँ, कभी लिमना माइनर देता हूँ, ठीक है ना, कभी ट्यूक्रम मेरावेरम देता हूँ, कभी नाइट्रम कार देता हूँ, ना ठीक हुआ। एक दिन मैं बैठा हुआ, मेरे पास आ गया, मैं क्या लो फिर आ गया ये बंदा, तो मैं थक हार के ना मैंने कार्सिनोजन लगा के उसको दी,
तो कहते होगा, मैं कह रहा हूँ देखते हैं, अगली दफ़ा आया तो कहते बहुत फर्क पड़ गया। ये 30 साल पुरानी कहानी है, लोग कहते हैं इसको काशी रोशन का इस्तेमाल कहाँ से आया है। तो मैं फिर मुझे एक एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर मैं जो डिजीज़ बाप को भी थी बेटे की, तो वो बेटे को वही दवाई दे के मैं कार्सिनोसन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो चीज़ें निकलती गई निकलती गई, हमने इस तरह कार्सिनोसन को समझा। मल्टीपल एलर्जी, नेजल ट्यूबर, मेरे तो इसके साथ देखे ना स्किन की है, मैंने बेशुमार दवाइयाँ लिखी हैं, लेकिन ये ठीक तब होगी जब अगर ये इनहेरिटेड की हुई इसने, तो फिर कार्सिनोसन के बगैर ये नहीं ठीक होगी। ठीक है जी।